चलिए अब बताएंगे मेरी आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, अब मेरी आवाज आ रही होगी, अब मेरी आवाज आ रही होगी, अब बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल अब मेरी आवाज आ रही होगी, बताइएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखिएगा, है ना। सारे बच्चे बताएंगे अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई लोग, आप देख लीजिएगा, है ना, बताइएगा, अब मेरी आवाज आ रही होगी, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सुपर, ठीक है, चलिए, ओके। तो बच्चों बताएंगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पे कौन है, गंगा प्रसाद जी, यहाँ के राज्यपाल कौन है, गंगा प्रसाद, सिक्किम के जो राज्यपाल है इनका नाम क्या है, गंगा प्रसाद जी सिक्किम के राज्यपाल है, ठीक है, ध्यान रखना, सिक्किम के राज्यपाल कौन है, गंगा प्रसाद जी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो तीन फेस्टिवल जो बड़े महत्वपूर्ण है सिक्किम में, बच्चों याद रखना, सिक्किम में कौन से त्योहार है, तो सिक्किम में लोसार, लोसार त्योहार कहां पर है, सिक्किम में लोसार है, लो है ना, लोसुंग, लोसुंग त्योहार सिक्किम में है, ठीक है, लोसुंग हो गया, लेपचा, लेपचा त्योहार और सागादाव, ये सारे त्योहार कहां पर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, ये बच्चों ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं कहां पर, सिक्किम राज्य के अंतर्गत ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसी सिक्किम में नोट करेंगे, ठीक है, इसी सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क आ जाता है, कौन सा, कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है बच्चों इसे सिक्किम में है, और चोलामू भारत की सबसे ऊंचाई पर जो झील है, भारत की सबसे ऊंचाई पर जो झील है चोलामू, ये 5300 मीटर की ऊंचाई पर, कितने पे, 5300 से ज्यादा ऊंचाई पर बच्चों कौन है, 5300 प्लस इतने मीटर की ऊंचाई पर कौन है, चोलामू है, जो कि सिक्किम राज्य के अंतर्गत आती है, कौन सा, सिक्किम राज्य के अंतर्गत आती है। सिक्किम बच्चों 36वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, 36वां जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा राज्य का दर्जा किसे मिला था, सिक्किम को प्रदान किया गया था, ठीक है। एक तरफ से सिक्किम किससे, नेपाल से जुड़ा है, और एक साइड से बच्चों किससे, भूटान से, और एक साइड से यहां पर याद रखना तिब्बत, यानी कि चाइना जो तिब्बत ऑक्युपाइड है, याद रखना, तीन तरफ से घिरा हुआ, ठीक है। तो सिक्किम कितने तरफ से घिरा है बच्चों, तो सिक्किम अगर आप भारतीय राज्य में सिक्किम को देखेंगे तो यहां पर नेपाल, इस साइड में भूटान है, और ऊपर साइड में देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, सिक्किम तिब्बत वाला एरिया, सिक्किम के ऊपर क्या मिलेगा, तिब्बत वाला एरिया आपको मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार है, हॉर्नबिल त्योहार कहां पर, नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार सॉरी चलिए तो बच्चों याद है हॉर्नबिल कहां पर, तो हॉर्नबिल नागालैंड में, मोअत्सु, मोअत्सु त्योहार कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो मोअत्सु त्योहार बच्चों ये भी नागालैंड में, मोअत्सु सेकर नहीं, क्या नाम है, सेकर नई त्योहार, ये सभी नागालैंड के त्योहार है, ठीक है, मोअत्सु, हॉर्नबिल और सेकर नई, ये नागालैंड में सेलिब्रेट किए जाते हैं। मिजोरम में चाप चरकुट है, कौन सा, चाप चरकुट जो त्योहार है ये कहां पर सेलिब्रेट होता है, चाप चरकुट, क्या नाम इसका है, मिजोरम में याद रखेंगे, चाप चरकुट, क्या नाम इसका है, चाप चरकुट बच्चों, और मीमकुट, क्या नाम है, मीमकुट। तो चाप चरकुट और मीमकुट ये दोनों त्योहार मिजोरम राज्य के अंतर्गत सेलिब्रेट किए जाते हैं, कहां पर, मिजोरम में। और मेघालय में आपको बताया था कि यहां पर कौन सा है, तो बच्चों मेघालय में याद रखना आपका कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां पर, मेघालय राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है, बिल्कुल हाँ, केर पूजा भी मनाई जाती है, क्या, केर पूजा भी यहां पर मनाई जाती है, ठीक है, चलिए ध्यान रखना, आइए बढ़ जाते हैं, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और ध्यान रखना मेघालय में दो और हैं, नोंग क्रेम को भी ध्यान रखना, नोंग क्रेम जो त्योहार है ये भी आपके मेघालय में मनाया जाता है, और बच्चों वांगला, कौन सा, वांगला महोत्सव ये भी आपके मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है, और चेरी ब्लॉसम, कौन सा होगा, चेरी ब्लॉसम त्योहार ये भी आपके मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है, कहां पर, मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। और कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था त्रिपुरा राज्य का, कल ही पढ़ाया था, कल क्या, कई बार वो रिपीट करवा था, खर्ची पूजा, और आज के पेपर में क्वेश्चन आया था कि खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाते, त्रिपुरा में मनाते हैं, और त्रिपुरा की बच्चों जो भाषा थी कोक बरोक, वो भी मैंने करवाया है, और सारी क्लासेस से देखो जो भी मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि ईमानदारी से जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ के जाना, आपको जीके वाले सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं कह सकता हूं कि 20 में से आप 15 क्वेश्चन आराम से आसानी से बनाकर आएंगे जीके में, जो कि क्वेश्चन अभी देखोगे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आज के क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा भी कि देखो ये क्वेश्चन है जो कि आपके यहाँ पर पूछे गए हैं बेसिक स्तर के, ठीक है, बेसिक स्तर के कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। चलिए सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर करेंगे, ठीक है, चलिए सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा,
ठीक है, सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए। हाँ, कोक बरोक भाषा जो है कहाँ की है, ये त्रिपुरा की बच्चों भाषा है और ये एग्जाम में आज पूछा गया था, खर्ची पूजा पूछा गया था, ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने बच्चों नान मुथलवन के तहत विद्यार्थियों के लिए नलाया थिरन कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की है। इनमें से किस राज्य ने बच्चों के लिए, बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्या स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चों इन्होंने क्या शुरू किया है, इन्होंने याद रखना नलाया थिरन नाम से एक कौशल प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह कौन सा राज्य, तमिलनाडु राज्य हो जाएगा, कौन सा, तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु में याद रखना एमके स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है, कौन है, एमके स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री है और राज्यपाल कौन है यहाँ का, आर एन रवि जी है, कौन है, आर एन रवि यहाँ के वर्तमान में, आर एन रवि जी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। नोट करेंगे तमिलनाडु में ही, तमिलनाडु में नाट्यांजल जो उत्सव मनाया जाता है, कौन सा, नाट्यांजल उत्सव, ये तमिलनाडु में मनाते हैं। पोंगल है ना, पोंगल बच्चों त्योहार कहां मनाया जाता है, ये आपके तमिलनाडु में। और जल्लीकट्टू, कौन सा जल्लीकट्टू भी कहां पर, ध्यान रखना ये तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में भरतनाट्यम यहाँ का नृत्य जो है ना, वो भरतनाट्यम कहां का, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत गुड, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, राधे राधे सभी का, एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। चलिए देखो राजस्थान में आप जानते हैं बच्चों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, कलराज जी है, कौन है, कलराज मिश्र जी यहाँ के राज्यपाल है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा बच्चों ये कहां पर बनाया जाएगा, ध्यान रखना ये राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 36वां जो राष्ट्रीय खेल है ये गुजरात में है और सावज इसका क्या रखा गया, मस्कट इसका सावज को रखा गया, क्या सावज को रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बैखो जो उत्सव है ये किस भारतीय राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है, तो बैखो बच्चों ये असम राज्य में मनाते हैं। कहां पर, बैखो जो त्योहार है ना, बैखो बैसागु माजुली महोत्सव, ब्रह्मपुत्र ठीक है, ब्रह्मपुत्र बीच महोत्सव इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बीच महोत्सव, और बच्चों देहिंग महोत्सव ठीक है, और हाथी महोत्सव, ये सभी कहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये सारे महोत्सव आपके याद रखेंगे असम राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कहां पर, असम राज्य के अंतर्गत ये सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो बैखो, बैसागु, माजुली, ब्रह्मपुत्र, देहिंग, हाथी महोत्सव, ये सब कहां पर है याद रखेंगे, असम राज्य के अंतर्गत ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। मणिपुर में क्या है बच्चों, ध्यान रखना मणिपुर में लाई हरोबा कहां का त्योहार है, तो लाई हरोबा ये मणिपुर का है। याओसांग कौन सा है, याओसांग त्योहार ये भी आपके मणिपुर राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। लोकटक झील यहां पर है और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो बच्चों केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ ये भी आपको कहां मिलेगा, तो याद रखना आपके मणिपुर राज्य के अंतर्गत मिल जाता है। और मणिपुर तो नो डाउट शास्त्रीय नृत्य में क्या आता है, क्लासिकल डांस में आपका मणिपुरी आ जाता है। ठीक है, चलिए सिक्किम आपको बताएं, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, ध्यान रखना यहाँ पे दो त्योहार बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, एक तो खर्ची पूजा और ये आज के ही पेपर में पूछा गया था खर्ची पूजा के बारे में, कई बार इसे हमने आपको रटवा दिया होगा जो बच्चे रेगुलर अगर मेरी क्लास को है ना, चलिए अगर बात करें, अगर जो बच्चे हमारे डेली रेगुलर क्लासेस को अगर आप देख रहे होंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता 100% आ रहे हैं, लेकिन 12 से 15 क्वेश्चन जो क्लास के करवाए गए हैं, अगर एक दिन में तो करवाया नहीं जा सकता, ये आप भी समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि एक दिन की क्लास में सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं कि एक दिन में करवाए जा सके। लेकिन अगर आपने रेगुलर जब से एग्जाम पेपर स्टार्ट हुआ, जब से मैं करवा रहा हूँ क्लासेस को, अगर आप रेगुलर अगर वॉच कर रहे हैं क्लासेस को, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो खर्ची पूजा बच्चों गारिया पूजा कौन सा हो गया, गारिया पूजा महोत्सव, और यहीं पर याद रखना ऑरेंज महोत्सव कौन सा, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज महोत्सव, ये सभी त्योहार कहां पर सेलिब्रेट हो रहे हैं, ये सभी त्रिपुरा राज्य में मनाए जाते हैं। और यहीं का पूछा गया था कौन सी भाषा, काक बरोक, कौन सी थी, काक बरोक भाषा, ये कल के क्वेश्चन शायद मैंने कल या परसों वाले क्लास में करवाया था, काक बरोक, ठीक है, ये कहां पर बोली जाती है, त्रिपुरा राज्य के अंतर्गत बोली जाती है। और त्रिपुरा बच्चों ध्यान रखना जो त्रिपुरा है ना, ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है, तीन साइड से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से तीन साइड से त्रिपुरा घिरा हुआ है। और साथ में अगर मैं बात करूं तो मानिक शाह जी कौन है, मानिक शाह जी त्रिपुरा के है ना, मानिक शाह जी त्रिपुरा के वर्तमान में कौन है,
मुख्यमंत्री मानिक शाह जी हैं, और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव जी। क्या नाम है? सत्यदेव जी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, सत्यदेव यहाँ पे वर्तमान में क्या है? राज्यपाल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संस्कृति के मौसम के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है बच्चों, यहां पर जो आपका सीजन ऑफ कल्चरल, ठीक है, सीजन ऑफ कल्चर, ठीक है, सीजन ऑफ कल्चर जो कि अभी ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, किसने, किसे बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, इसको बच्चों प्रमोट करने के लिए इनमें से किसे एक राजदूत भारत सरकार ने बनाया है? ठीक है, बिल्कुल फोर्थ फेज का पेपर का डेट आ गई, बहुत सारे बच्चे परेशान थे 19 सितंबर से। ठीक है, 19/9/2022 से ये कब तक होगा? 7/10/2022 तक। ठीक है, मतलब कहने का कि देखो ये पेपर और भी आगे बढ़ेगा, अभी तो पांचवा फेज आएगा, छठवां फेज आएगा, सातवां फेज आएगा, मतलब ये पूरे नवंबर तक पेपर खींच सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, अक्टूबर तो जाएगा जाएगा, पूरा नवंबर तक ये पेपर आपका चल सकता है। तो 19 तारीख से बच्चों 7 अक्टूबर तक याद रखना, ये आपका फोर्थ फेज का पेपर होना है। इसमें गोरखपुर है, गोरखपुर के अलावा दो जोन कौन है? कोलकाता जोन शायद है ना, कोलकाता, गोरखपुर और एक और जोन था, तीन जोन इसमें पेपर होंगे। ठीक है, इसमें तीन जोन का पेपर इसमें करवाया जाएगा इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्या होगा? ए आर रहमान। क्या होगा बच्चों? ए आर रहमान को याद रखना कि वर्ष 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इन्हें संस्कृत के मौसम के राजदूत के तौर पर ए आर रहमान को भारत सरकार ने नियुक्त किया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या होगा? ए आर रहमान हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं, बिल्कुल काजल सिंह जी, थैंक यू सो मच काजल जी। आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, संजय दत्त को किसने बनाया? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बच्चों ध्यान रखना अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? संजय दत्त को बनाया। किसे? संजय दत्त को बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे बनाया है? गोविंदा को। ठीक है, गोविंदा को किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। ऋषभ पंत को किसने बनाया है? तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए कंगना रनावत को उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। ठीक है, यूपी सरकार ने कंगना, किसे? कंगना रनावत को बनाया है। किस लिए? तो एक जिला एक उत्पाद के लिए बच्चों कंगना रनावत को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, है ना। चलिए आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई साहब क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 2024 के पेरिस ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया? इन्होंने बच्चों गोल्ड जीत करके किसमें? 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में। और ये प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? बाकू में हुई थी। कहां पर? बाकू। बाकू बच्चों ये अजरबैजान की कैपिटल है। ठीक है, अजरबैजान ये एशिया महाद्वीप में आता है। कहां पर? एशिया में बच्चों, ध्यान रखना, जिस महाद्वीप में हम लोग रह रहे हैं ना, हम लोग एशिया महाद्वीप में रह रहे हैं, और एशिया महाद्वीप में एक देश आता है अजरबैजान, इसकी राजधानी क्या है? बाकू। और बच्चों यहां पर 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में किसने, याद रखना, अवनी लेखरा, जो कि राजस्थान से है। कहां से? राजस्थान की बच्चों, जो अवनी लेखरा है ना, इन्होंने 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीता है। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में कहां पर होगा? पेरिस में। देखो दो ओलंपिक होंगे, एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा, कौन सा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा पेरिस में 2024 में। और बच्चों यहीं पर क्या होगा? पैरालंपिक भी होगा। क्या? पैरालंपिक भी यहीं पर आयोजित किया जाएगा। तो इसके लिए यानी कि पैरालंपिक के लिए किसने क्वालिफाई कर लिया? अवनी लेखरा ने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, किसने? अवनी लेखरा ने। और नोट करना, इन्होंने जो पैरालंपिक टोक्यो वाला हुआ था ना 2020 वाला, जो 21 में हुआ था कोरोना की वजह से, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या? गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साथ में इन्होंने मेजर ध्यानचंद, इनको क्या मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत सरकार ने दिया। और बच्चों इनके, इसके अलावा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री से। किसको सम्मानित किया गया? पद्मश्री अवनी लेखरा को, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये भी अवनी लेखरा को दिया गया। क्या? अवनी लेखरा को दिया गया है। ठीक है, चलिए चलिए आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का आधिकारिक शुभंकर क्या नाम क्या रखा गया था? ठीक है, क्या रखा गया था? ठीक है, क्या रखा गया था? बताएंगे बच्चों, जो ओलंपियाड अभी तमिलनाडु में हुआ है, कहां पर? 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है ना, ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था बच्चों? ये तमिलनाडु चेन्नई में। कहां पर? तमिलनाडु चेन्नई में। ध्यान रखता, ये ओलंपियाड को करवाया गया था, 44वां ओलंपियाड। इसका शुभंकर क्या था? मस्कट क्या था? थाम्बी रखा गया था। क्या नाम था? थाम्बी। बच्चों ये मस्कट किसका है? तो 44वें ओलंपियाड का मस्कट थाम्बी को रखा गया।
देखो यहाँ पर लिखा ईभा, एक शब्द देखो यहाँ पर लिखा इंग्लिश में लिखा ईभा। ईभा किसका है बच्चों? तो जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होने वाला, ठीक है, अंडर 17 जो फीफा विश्व कप होने वाला महिला, ठीक है, अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप क्या होगा? महिला फीफा विश्व कप, इसका जो आयोजन किया जा रहा है कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है। महिला विश्व कप फुटबॉल का, किससे संबंधित है ये बच्चों? फुटबॉल से संबंधित है। और इसका मस्कट किसे रखा गया? ईभा नाम की बच्चों शेरनी को। किसे? ईभा नाम की जो शेरनी है ना, इसे मस्कट के तौर पर रखा गया, ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल याद रखें। क्या होगा? ईभा अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप के लिए ईभा को शेरनी जो है ना, इसे बच्चों ध्यान रखना मस्कट के तौर पर शामिल किया गया। और इसको कहां पर खोजा जाएगा? ये भुवनेश्वर और राउरकेला, कहां पर होगा ये? भुवनेश्वर राउरकेला। और बच्चों आपका जो फाइनल होगा ना, ये आपके नवी मुंबई में होगा। कहां पर होगा? नवी मुंबई में इसका फाइनल होगा, है ना। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कहां होगा? नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और सावज, देखो यहां पर क्या लिखा है? सावज, जो सावज है ना बच्चों, इसे मैंने आपको बताया था क्या इसका मतलब होगा? सावक होगा। सावज का मतलब क्या होगा? सावक। और सावक बच्चों किसका? तो जो शेर के बच्चे होते हैं ना, जो शेर के बच्चे होते हैं इनको सावक हम बुलाते हैं। और सावक किसका होगा ये? सावक किसका ये मस्कट रखा गया? जो 36 है, 36वां जो राष्ट्रीय खेल होने वाला, क्या 36वां जो राष्ट्रीय खेल होने वाला है, इसका मस्कट क्या रखा गया 36वें राष्ट्रीय खेल का? सावक को रखा गया। किसे? सावक को रखा गया। ये एग्जामपुर के द्वारा बच्चों आप लोगों के लिए ये अपडेट दिया गया, कई सारा एप्लीकेशन पर आप इसको आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। पेड कोर्सेस टॉपिक वाइज आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, जॉब अलर्ट एडमिट कार्ड, है ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप टेस्ट, टॉपिक वाइज आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, है ना। याद रखना यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? डेली वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस और अनलिमिटेड बच्चों यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए एग्जाम 7 को एंड हो जाना है, एग्जाम एंड है 7 को। अच्छा अब वो तो वक्त बताएगा ना, अभी क्यों परेशान हो रहा, अभी चौथा फेज हो जाने दो, मे बी की पांचवा फेज हो, छठा फेज हो, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर एंड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं है ना, इसमें डिस्कशन वाली कोई बात ही नहीं, अगर एंड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, है ना। चलिए आओ भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनरेगा में जो धांधली होती है, मनरेगा में जो अभी तक फ्रॉड गिरी धांधली हो रही थी, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार ने लोकपाल नियुक्त किया है, तो मनरेगा में लोकपाल के तौर पर कौन नियुक्त किया गया? देखो मनरेगा बच्चों पहले क्या नाम था? इसका नाम था नरेगा। और नरेगा कब शुरू हुआ था? ये 2006 में शुरू हुआ, और फिर इसे 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। क्या? मनरेगा इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। इसमें 100 दिन का रोजगार का प्रावधान है। कितना? 100 दिन के रोजगार का प्रावधान किसमें है? 100 दिन का ये रोजगार किसमें दिया जाएगा? तो बच्चों आपके मनरेगा में दिया जाएगा। इसका जो अभी जो लोकपाल नियुक्त किया गया किसे? एनजे ओझा जी को। कौन है? एनजे जो ओझा है ना, इन्हें याद रखना लोकपाल के तौर पर नियुक्त किया गया, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अरे अभी होगा, बिल्कुल घबराए काजल शर्मा जी, ये बच्चे हैं, इनको तो कुछ भी बोलना होता है इनको बोलने दीजिए, ठीक है। आगे अभी बहुत सारे फेज में और भी हो सकता है, घबराइए मत, वो तो जब आरआरबी डिसाइड करेगा, है ना। अभी सिर्फ आप अपना पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। अनुसूची भी करवा दीजिए सर, बिल्कुल करवाएंगे, ऑलरेडी करवा चुका हूं जितेंद्र चौहान जी, और दोबारा फिर से इसको, कल हमारी 3 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है। कल बच्चों 2 से 5 में हमारी क्लास रहेगी, 3 आवर की क्लास रहेगी, ठीक है। और परसों भी मेरी 2 से 5 में 3 आवर की क्लास रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3-3 घंटे की क्लास रहेगी, तो दोनों दिन में हम सारे क्वेश्चन जितने आए हुए हैं वो भी करवा देंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं 17 तारीख से लेकर के अभी तक के जितने क्वेश्चन हैं इनको सबको रिपीट करवा देंगे, और जो भी क्वेश्चन नए बन सकते हैं उनको भी हम यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। अब बच्चे ये सोचते होंगे ना, बच्चों के दिमाग में ये होता है कि एक दिन पढ़ा दो और एक दिन में ही सारा सब कुछ आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई साहब, ठीक है। ये बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि एक दिन में हम आपको कितना पढ़ा सकते हैं ये भी आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बच्चे रेगुलर क्लासेस को हमारे देख रहे होंगे और उनका अभी तक पेपर नहीं हुआ, उनको जरूर फायदा इससे मिलने वाला है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो इसको बच्चों क्या होगा? एनजे ओझा हो जाएगा। और भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। भारत का पहला जो लोकपाल बनाया गया था किसे बनाया गया था? भारत के पहले लोकपाल बच्चों पिनाकी चंद्र घोष जी थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, ये भारत के पहले लोकपाल थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और डीके जैन, ध्यान रखना बच्चों, जो डीके जैन था ना, ये बीसीसीआई के लोकपाल कौन था? बीसीसीआई का पहला लोकपाल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो पहला लोकपाल था, ये डीके जैन को बनाया गया। किसे? डीके जैन को बनाया गया था।
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन, जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू जो कोविड वैक्सीन है एनेकोवैक्स, ये किसने लॉन्च किया है? ठीक है, एनेकोवैक्स जो वैक्सीन है इनमें से किसने लॉन्च किया? ठीक है, और बच्चों जो ये एनेकोवैक्स है ना, सॉरी ये सी हो जाएगा, एनेकोवैक्स जो बच्चों वैक्सीन है ये किसने बनाया? अपने प्यारे भारत ने बनाया। किसने? अपने प्यारे भारत ने कहां पर? हरियाणा की लेबोरेटरी में बनाया है। कहां पर? हरियाणा की लेबोरेटरी में एनेकोवैक्स को बनाया है। ठीक है, जानवरों को दी जाएगी। किसे? ये जानवरों को दी जाएगी। बताएंगे ये किसने इसको लॉन्च किया? हम तो नरेंद्र सिंह तोमर बच्चों जो देश के क्या है, कृषि एवं कल्याण मंत्री। ठीक है, कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है देश का? तो कृषि कल्याण मंत्री याद है नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और इन्होंने नोट करिएगा कोविड वैक्सीन को इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया। क्या इन्होंने इनॉग्रेट किया है? ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी आप जानते, ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, बाकी तो आपको पता है कि कोविशील्ड कोवैक्सीन किसने बनाया? तो कोवैक्सीन बनाया था भारत बायोटेक ने, जो कि हैदराबाद की है। और कोविशील्ड बनाया था किसने? तो बच्चों सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में सीमा शुल्क और जीएसटी के लिए एक राष्ट्रीय संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है? ठीक है, धरोहर नाम का बच्चों क्या बनाया इन्होंने? एक यहां पर म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है। ये किससे संबंधित है? तो कस्टम और जीएसटी से संबंधित बच्चों ये म्यूजियम है, जिसका नाम क्या रखा गया? धरोहर को रखा गया। क्या? धरोहर रखा गया है। ये कहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है? सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, एक सेकंड वेट करेंगे। आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? एक मिनट। चलिए अब बताइएगा, अब आ रही है ना? अब आ रही है मेरी आवाज? अच्छे से बताइएगा, अब अच्छे से आ रही है? और सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे साथ है ना, सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा। अब बताइएगा, अब मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी? ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बताइएगा। आइए देखते हैं। तो बच्चों इसका क्या होगा? गोवा हो जाएगा। क्या? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। धरोहर नाम का जो म्यूजियम कहां पर लॉन्च किया गया? गोवा में इसे इनॉग्रेट किया गया। 100% बच्चों जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गोवा बन गया। कौन सा? गोवा बन गया। ठीक है, नोट करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली अंकोलॉजी जो प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? ठीक है बच्चों, यहां पर अगर बात करूं तो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए जो अभी लेबोरेटरी बनाई गई, ये कहां पर बनाई गई? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? ठीक है, चलिए बताओ भाई इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर? जो ये अंकोलॉजी बच्चों ये है ना, ये जो प्रयोगशाला बनाई गई, ये कहां पर बनाई गई है? स्पीड कम करें, स्पीड बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, चलिए स्पीड थोड़ा कम कर लेते हैं। आवाज धीरे आ रही है, स्लो आ रही है। अच्छा स्पीड कम करो, स्पीड किसकी कम करें? अच्छा मेरी आवाज बहुत तेज है, बहुत तेज पढ़ा रहा हूं। ओके कोई बात नहीं, चलिए। तो बच्चों इसका क्या होगा? केरला हो जाएगा। क्या? केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का नाम बताइए जिसका कि हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया। एशिया के बच्चों सबसे लंबे दांत वाले जो हाथी का नाम क्या है, जिसको कि अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो बच्चों इसका नाम क्या था? भोगेश्वर। ठीक है, और ये कहां था? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर? बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ना, बांदीपुर नेशनल पार्क में ही था। और बच्चों 70 वर्ष की उम्र में, कितने साल का था ये? 70 वर्ष का था। और हाल ही में इसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। ठीक है, कहां पर? याद रखना इसका, बिल्कुल। चलिए ध्यान रखना। तो भोगेश्वर क्या नाम था इसका? भोगेश्वर बच्चों ये हाथी का नाम था जिसकी कि हाल ही में क्या हो गई? मृत्यु। और ये कहां? एशिया का, ध्यान रखना, एशिया का बच्चों सबसे लंबे दांत वाला हाथी था। आइए देखते हैं कहां पर? तो बांदीपुर कर्नाटक में इसकी मृत्यु होगी, नेशनल पार्क में। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत भारत की जो पहली निजी ट्रेन है ये शिरडी से किस जगह के लिए हरी झंडी दिखाई गई थी? तो इसका होगा बच्चों क्या? कोयम्बटूर। क्या होगा? कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है, तो कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में, कहां पर? शिरडी के बीच में बच्चों भारत की पहली भारत गौरव ये ट्रेन चलाई गई। कहां पर? शिरडी और कोयम्बटूर के बीच में। ठीक है, चलिए ध्यान रखना कहां पर, तो कोयम्बटूर के बीच में। अभी देखो कल पूछा गया था कि पुरी में कौन सा मंदिर है? ठीक है, तो पुरी में बच्चों कौन सा आपको टेंपल मिलेगा? तो पुरी में याद रखना यहां पर आपका जगन्नाथ स्वामी जी टेंपल है। कौन सा? जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ स्वामी जो है टेंपल है ये कहां पर? पुरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और भुवनेश्वर में कौन है? लिंगराज। भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर है? तो भुवनेश्वर में ध्यान रखना आपका लिंगराज टेंपल ये भुवनेश्वर में है। और कोणार्क में कौन है? सूर्य मंदिर। कोणार्क में कौन सा है?
तो कोणार्क बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर सूर्य मंदिर कोणार्क के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय बच्चों याद रखना, राष्ट्रीय म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय ये दिल्ली में है, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय बच्चों ये दिल्ली के अंतर्गत है, कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। आइए देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव जी बच्चों जो कि रेल मंत्री है, कौन है? रेल मंत्री के साथ साथ इनके पास इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट सॉरी टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी इनके पास है। क्या? टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी किसके पास है? अश्विन वैष्णव जी के पास है, और रेल मंत्री भी है ये। इनके अनुसार भारत में जो 5G सेवा है कब तक मिल जाएगी? हम लोगों को 5G जो सेवा है कब तक मिल जाएगी बताइएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया है चौहान जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। आइए देखते हैं, तो 5G सेवा जो है बच्चों भारत को ये कब तक मिल जाएगी, आम नागरिक को ये 5G सेवा कब तक प्रदान की जाएगी? तो इसका जो टारगेट रखा गया है मार्च, ठीक है, 31 मार्च ये रखा गया है कि 31 मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवा हमें लोगों को मिल जाएगी, सारे नागरिकों को देने की ऐसी बात कही गई है। देखो 2025 क्या है? टीबी को भारत से मुक्त कराना, ठीक है, टीबी फ्री, जो ट्यूबरकुलोसिस है ना बच्चों, टीबी से फ्री होने का जो टारगेट भारत सरकार का क्या है 2025 तक है, और 2030 तक क्या है जीरो कार्बन इमिशन इसका टारगेट कब तक है भारत का? तो जीरो कार्बन इमिशन ये बच्चों जो टारगेट है ध्यान रखना, जीरो कार्बन इमिशन का ये 2030 तक का भारत का टारगेट है कि कार्बन से मुक्ति दिलाने के लिए जीरो कार्बन इमिशन की बात कही गई है। और सुनो काम की बात, जो आपका हाउसिंग फॉर ऑल सबके लिए घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया? 2024 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2024 तक के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य को बढ़ा दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे, बिना हाँ एक चीज और याद रखना, यहां पर एक टारगेट और है, आपको पता होगा सब जल जीवन मिशन के तहत सबके घर सॉरी टैप वाटर कनेक्शन क्या है, टैप वाटर कनेक्शन का टारगेट क्या है 2024, सबको घर सबके घरों में जो नल से जल देने का लक्ष्य है 2024 का, क्या नल से जो जल देने का लक्ष्य क्या है 2024 का है। आइए देखते हैं, मानव हस्तक्षेप के बिना बच्चों सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा कौन सा एक रोबोट बनाया गया, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने कौन सा रोबोट बनाया जिससे कि जो सेप्टिक टैंक होते हैं ना, जो सीवर पाइप या लाइन होती है, इनको यहां पर क्या होगा साफ सफाई की जाएगी? तो होमोशेप, क्या होगा? होमोशेप बच्चों, इसका नाम क्या रखा गया? होमोशेप रखा गया, बी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेप्टिक टैंक की सफाई करने में इस्तेमाल किया है रोबोट, है ना। और बच्चों आपको पता होगा फायर ब्रिगेड जो दिल्ली सरकार का क्या है, तो बच्चों फायर ब्रिगेड को क्या है, इन्होंने रोबोट इस्तेमाल किया, 2 रोबोट कल ही बताया था आप लोगों को। और एक चीज और याद रखना, ठीक है, एक चीज और याद रखना, आईआईटी मद्रास ने कदम जो विकलांग जन है ना, जिनके की बच्चों ध्यान में पैर नहीं है, पैर कट चुके हैं, उनको प्रोस्थेटिक जो लेग बनाया है, यानी कि जो है ना आर्टिफिशियल लेग बनाया, उसका नाम क्या, कदम नाम का लेग बनाया किसने, आईआईटी मद्रास ने बनाया, किसने, आईआईटी मद्रास ने बनाया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आइए बढ़ते देखो नेक्स्ट पे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ओरिजिनल आधार नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपको एग्जाम दे, ओरिजिनल एग्जाम अगर देखो सौरभ चौधरी जी, अगर आपके पास आधार नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज अभी जाइए आप कहां पर जो आधार सेंटर होते हैं वहां से अपना प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स अगर आप निकलवा सकते हैं तो आप वहां से निकलवा लीजिए, उससे शायद कुछ बात बन जाए, ठीक है, उससे शायद कुछ बात बन जाए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, अदरवाइज आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे कई बच्चों ने कॉल किया कि गुरुजी मैं वहां पर फोटो कॉपी लेकर के गया था, आधार की फोटो कॉपी लेकर गया और उनको अलाउ नहीं किया गया, तो वोटर आईडी जरूर लेकर के जाना। पहली बात तो आधार सेंटर से निकलवा लो प्रिंटेड, आप आधार कार्ड निकलवा लीजिए प्रिंटेड, और वोटर आईडी कार्ड लेकर के जाना, या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाना, या कोई डॉक्टर या फिर कोई प्रोफेसर हो उससे एक एप्लीकेशन को जरूर साइन करवा करके अपने साथ ले जाइएगा, तभी पेपर आपको देने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अरे वो 2070 का जो टारगेट है भारत सरकार का, ठीक है, भारत सरकार का टारगेट क्या है 2070, ये 2030 ना रेलवे का है, ठीक है, जीरो कार्बन इमिशन ये किसका है 2023-30 तक का, ये भारतीय रेलवे का, ठीक है, ये भारतीय रेलवे का है, जीरो कार्बन है, ध्यान रखें जीरो कार्बन इमिशन ये 2030 रेलवे का, और जो 2070 आप कह रहे हैं ना, ये भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत सरकार 2070 तक पूरे भारत से बिल्कुल है ना कार्बन उत्सर्जन को समाप्त कर देगी 2070 तक का, 2070 तक भारत का जो कार्बन उत्सर्जन है भारत सरकार उसे पूरा कंप्लीट तौर पर समाप्त कर देगी। चलिए आइए बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आरबीआई ने बच्चों पेमेंट डिवीजन 2025 में 2025 डिजिटल भुगतान के लेन देन में कितनी गुना वृद्धि करने की बात कही है, मतलब कितने टाइम्स भारत के डिजिटल ट्रांजेक्शन में वृद्धि हो जाएगी, है ना, तो इसका क्या होगा, देखो 3 टाइम्स हो जाएगा, कितना 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना क्या होगा,
तीन गुना डिजिटल ट्रांजेक्शन में वृद्धि की बात की भारत आरबीआई ने। और बच्चों आरबीआई आज क्वेश्चन आया था आरबीआई में कि आरबीआई किसको मैनेज करता है, मैंने आपको पहले भी ये पढ़ा चुका हूं, है ना, पहले भी पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना। आज क्वेश्चन आया था कि जो सीआरआर है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपका, ये सब एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब कौन मैनेज करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन बच्चों ये सब कौन देखता है, ये सब आरबीआई के टूल्स हैं। किसके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी होगी, मौद्रिक नीति आरबीआई की पढ़ी होगी, ठीक है। तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है क्या बच्चों, ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कौन मैनेज करता है, तो मौद्रिक नीति आरबीआई देखता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी का मतलब क्या होगा, मुद्रा, ठीक है, मौद्रिक मतलब मुद्रा, पैसे से सारा लेन देन भारत में कौन देखता है, पैसे के बच्चों पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लेन देन पैसे का, है ना, मार्केट में कितना होगा नहीं होगा सब मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है। तो यहां पर याद रखेंगे कि जो कैश रिजर्व रेशियो, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, एमएसएफ, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब आरबीआई के टूल्स हैं और इनको सब आरबीआई मैनेज करता है। और आज के पेपर में क्वेश्चन आया था कहां पर, आज के, है ना, आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसे नोट करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। और एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक कौन है फिस्कल पॉलिसी, कौन सी है बच्चों, फिस्कल पॉलिसी है, यानी कि इसे राजकोषीय नीति बोलते हैं, क्या, राजकोषीय नीति बोलते हैं, इसे कौन मैनेज करता है, भारत सरकार। राजकोषीय नीति कौन बनाता है, भारत सरकार, जिसमें टैक्स और जो रूल्स होते हैं, क्या, जो बच्चों कर होता है ना, जो भारत सरकार कर और जो नियम बनाती है भारत सरकार, ये किसके तहत बनाती है, फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से सारा मैनेज करती है, किसके, चलिए, वोटर आईडी ऐड ना हो तो किसी के पास, तो फिर वो एग्जाम छोड़ दे, ठीक है, उसे एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी, ये मैं साफ साफ कह रहा हूं आप लोगों से। एग्जाम सेंटर में आप जाएंगे ना, अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो शायद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री शायद ना मिले, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे गोल्डी सिंह क्यों लाइफ में, बहुत लंबी लाइफ है, ठीक है, इतनी छोटी सी लाइफ में आप लोग इतनी बातें बड़ी बड़ी करने लगते हो, जीवन बहुत बड़ा है, ठीक है, घबराओ मत, जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना, सारे व्यक्ति कलेक्टर ही नहीं बने हैं, ठीक है, मैं भी तो टीचर हूं ना, लेकिन मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, जो सरकारी नौकरी वाले हैं ना उनसे ज्यादा खुश मैं हूं, मैं भी सरकारी नौकरी छोड़ा है मैंने, तो मुझे सरकारी नौकरी, मैं भी उसको मतलब कुछ सोच समझ के छोड़ा होगा, ठीक है। विवेक सर आप जानते हैं विवेक सर क्या है, यूपी, चाहे यूपी पीसीएस की बात कर लेते हैं, है ना, उन्होंने छोड़ा, एसआई जैसे रैंक पाकर के, टॉपर रैंक बन पाकर के उन्होंने छोड़ दिया, जिंदगी तो सभी जी रहे हैं ना, तो इतनी छोटी छोटी इतनी सी बातें, मतलब छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सोच लेते हो, तो पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो, एक एक एग्जाम से पूरा जीवन आपका भविष्य तय नहीं होता है, जीवन बहुत बड़ा है जीने के लिए, है ना, और करने के लिए बहुत सारा, दृढ़ शक्ति रखो अपने अंदर, है ना, इच्छा शक्ति रखो, भरोसा रखो और लगन के साथ लग जाओ और सफल हो गए एक दिन, जरूर ध्यान रखना, ठीक है, जरूर आप सफल होंगे, और ये नेगेटिविटी लाने से कुछ नहीं होता, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आपको है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को, किसे, रुचिरा कंबोज को बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर, भारत का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में किसे नियुक्त किया गया, रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया, ठीक है। चलिए, देश की पहली बालिका पंचायत, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, देश की पहली बालिका पंचायत बच्चों गुजरात के कच्छ में, कहां पर, गुजरात के कच्छ में, ध्यान रखना कहां पर, गुजरात के कच्छ में भारत की पहली बालिका पंचायत का आयोजन किया गया था, कहां पर, गुजरात के कच्छ में, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, देखो हम आप लोगों के लिए दिन रात लगे कि भाई बच्चों को हर एक चीज बता दे, पढ़ा दे, इतना पढ़ा देना कि बस पढ़ लो तुम जाओ, तुम्हारा मतलब सिलेक्शन होने में अगर एक भी परसेंट अगर मेरा रोल होता है ना, तो मेरी तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ इतना भरोसा आपको दिला सकता हूं कि अगर आप रेगुलर क्लासेस को देख रहे हो तो आपका अच्छा एग्जाम जाएगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ करके जाते हैं तो, ठीक है। मुझे आपको टॉपर नहीं बनाना, आपको सिलेक्शन लेना है ना, बस इतना पढ़ लो कि सिलेक्शन में मिल जाए। आइए देखते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड को योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया, ठीक है। 36वां राज्य का मतलब यहां पर क्या है, यूनियन टेरिटरी और आपके राज्यों को दोनों को मिला करके, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्या 36 हो जाएगा। तो बच्चों यूनियन टेरिटरी, क्या यूनियन टेरिटरी और आपके जो स्टेट है ना, इन सभी में से जो सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में,
इसको ज्वाइन करने वाला वन डिस्ट्रिक्ट वन सॉरी वन नेशन वन राशन कार्ड को ज्वाइन करने वाला राज्य कौन है? तो बच्चों असम राज्य होगा। कौन सा? असम राज्य हो जाएगा। नोट करना कौन होगा? असम राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैन कार्ड चल जाएगा क्या? लेकर के जाइएगा। वैसे मुझे पैन कार्ड के बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैन कार्ड ना ऑथेंटिक वैलिड जो आईडी कार्ड है वो देख लेना एक बार आपके पेपर में क्या होगा, आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना उसको एक बार देख लेना उसमें क्या लिखा हुआ है, चेक करिएगा एक बार, है ना। चलिए तो असम बच्चों इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आज के क्वेश्चन है, ठीक है। ये बच्चों आज के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, 9/9/2022, ठीक है। ये आज के पहले और दूसरे शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन है, पहले और दूसरा। तीसरे शिफ्ट का पेपर तब तक नहीं खत्म हो पाया जब तक ये कंटेंट बना, तब तक तीसरे शिफ्ट का पेपर का कोई एनालिसिस नहीं मिल पाया था, तो ये पहले और दूसरे फेज का है। शिशु सेवा अचोनी योजना किसने शुरू की? ये असम सरकार ने शुरू किया। किसने? असम सरकार ने बच्चों। और जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई, क्या माता पिता की जिनकी मृत्यु हो गई है कोविड में, क्या कोविड-19 के दौरान जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई, असम सरकार इनको 3,500 रुपया, कितना 3,500 रुपए कौन देगा? प्रति माह। क्या होगा? प्रति माह। यहां पर याद रखना, असम सरकार इनके बच्चों को याद रखना पढ़ने और उनके जीवन यापन के लिए 3,500 रुपए असम सरकार देगी। काकबरो किस राज्य की भाषा है? ये त्रिपुरा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि ये त्रिपुरा की हो जाएगी। काकबरो कौन है? त्रिपुरा की, है ना। पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ठीक है, कहां पर किया जाएगा? ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो याद रखना बच्चों, ये 2023 होगा भारत, ठीक है, कहां पर होगा? भारत में इसका आयोजन होगा। कहां पर? भुवनेश्वर और राउरकेला में, ठीक है, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर बच्चों जो कि कलिंग स्टेडियम होगा। कौन सा? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर का, और राउरकेला जो कि बिरसा मुंडा। कौन सा? राउरकेला, है ना, राउरकेला, ये बिरसा मुंडा स्टेडियम है। कौन सा? बिरसा मुंडा स्टेडियम बच्चों, यहां पर ध्यान रखना ये आयोजन किया जाएगा। देखो इसके आगे क्या है, जीव जंतु जहां पर निवास करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जैव मंडल। क्या बोलते हैं इसे? हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है, जहां पर जीव जंतु बच्चों निवास करते हैं उसे क्या बुलाते हैं? जैव मंडल के नाम से बुलाते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का जो अमृत महोत्सव है ये कब शुरू हुआ? ठीक है, ये कब से शुरू हुआ था बच्चों? ये 12 मार्च से शुरू हुआ। कब? 12 मार्च 2022 से शुरू हुआ था, और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 15 अगस्त। कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना, नया क्वेश्चन ही फ्रेम किया है, बिल्कुल नया क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है कि 12 मार्च से शुरू हुआ था और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा बच्चों 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इसमें 75 सप्ताह, कितने? 75 वीक। कितना होगा? 75 वीक बच्चों, मतलब कि 75 सप्ताह इसका आयोजन किया जाएगा। कितना? 75, है ना, सप्ताह इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण होगा, मे बी की पूछ सकता है आगे वाले पेपर में, ठीक है, जो अभी आगे आने वाले पेपर है इसमें आपसे पूछ सकता है कि कितने सप्ताह चलेगा। 75 सप्ताह इसका आयोजन किया जाएगा 12 मार्च से 15 अगस्त 2023 तक, ठीक है। चलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, देखो भाई साहब अब इसमें बहुत सारे नाम है, अब नाम हो तो पता चल जाए बच्चों, कई सारे पर्सनैलिटी है, ठीक है, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि पद्मश्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया। एक नाम होता तो मैं आपको बता देता, इसमें कई सारे नाम हैं और ये आप लोग, आपके लिए होमवर्क है, आप इसे जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पूरी लिस्ट आप गूगल प्ले स्टोर से, गूगल से डाउनलोड कर लेना, देख लेना लिस्ट में, इसमें कई सारे नाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। किस राज्य में अभी तक पंचायती राज लागू नहीं हुआ है? पंचायती राज, आपको पता है 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज को तो एग्जामिनर ने बिल्कुल ऐसे पकड़ा है ना, है ना, पंचायती राज को एग्जामिनर ने ऐसे पकड़ा है जैसे कि उसका, है ना, होता है क्या बोलते हैं उसको, है ना, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता हो, उसी तरीके से क्या है, इन्होंने पंचायती राज को पकड़ा। एक भी क्वेश्चन यहां से किसी भी पेपर में मिस नहीं हो रहा, हर पेपर में पूछा जा रहा है। तो कौन से राज्य में इसे नहीं लागू किया गया है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 2021 से। अरे भाई साहब वो अलग था, लेकिन आधिकारिक तौर पर 12 मार्च से इसको लॉन्च किया गया। क्या? आधिकारिक तौर पर 12 मार्च को लॉन्च किया गया था, ध्यान करना। देखो तो कम कहां पर नहीं बच्चों, तो नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड, नोट करना, नागालैंड, है ना, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। कौन सा होगा? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। इन राज्यों में बच्चों ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था कंप्लीटली इन पे लागू नहीं है, ठीक है, पूर्ण तौर पर यहां पर लागू नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, लागू तो है लेकिन कंप्लीट तौर पर यहां पर लागू नहीं है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां पर है? आर्टिकल 19 में आता है, आप जानते हैं। और बच्चों आपके मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार हमारे टीटी के टोटल कितने आ जाते हैं? तो फंडामेंटल राइट बच्चों हमारे टोटल 6 है, ठीक है। कौन सा नहीं आ जाता? तो एक था यहां पर, कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है। तो राइट टू जो प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी को कहां पर रख दिया? 300A में डाल दिया गया। कहां पर? 300A के अंतर्गत, याद ना, राइट टू प्रॉपर्टी को, यानी कि जो आपका है ना संपत्ति का अधिकार, तो बच्चों इसे लीगल राइट बना दिया। क्या? इसे लीगल राइट घोषित कर दिया गया, ठीक है। लीगल राइट्स, ठीक है, लीगल राइट इसे बना दिया 300A के अंतर्गत। कितने बच्चों को किशोर में शामिल किया गया है? तो बच्चों ध्यान रखना यहां पर 16 वर्ष से कम। अभी इसकी डेफिनेशन चल रही थी, क्या अभी इसकी डेफिनेशन चल रही थी बच्चों? किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट में मामला था कि जो विनाइल, जो जस्टिस होता है ना, जो अपराधी होते हैं, जो बच्चों जैसे कि मान ली 18 साल से कम उम्र में हैं, और उन पर जब अगर कोई क्राइम करते हैं तो बच जाते हैं, क्योंकि उनके उनको ये बता दिया जाता है कि क्या है ये बच्चों आपके किसमें आ जाते हैं, है ना, ये शिशु में आ जाते हैं, यानी कि क्या है ये किशोर अवस्था में। तो याद रखना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था कि यहाँ पर 16 वर्ष कितना हो जाएगा, 16 वर्ष के बच्चों को किसमें, चलिए ध्यान रखना, अरे यार क्या चल रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बच्चों 16 वर्ष से कम वालों को किसकी सिफारिश की गई कि 16 या फिर 16 से जो कम वाले होंगे क्या होंगे, याद रखना, ठीक है। अरे भाई साहब, रेलवे के 18 जोन होते हैं, ठीक है, 18 जोन है, पेपर 16 में हो रहा होगा तो क्या डिस्कशन की बात है, ठीक है। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी, तो कोई और ऑप्शन में रहा होगा ना, कोई और ऑप्शन में रहा होगा। अब मैंने तो पेपर दिया नहीं ना, अगर मैंने पेपर दिया होता तो मैं आपको बताता कि भाई साहब ये पूछा गया था, वो तो क्वेश्चन में जो भी दिया गया था वो तो मैं बता रहा हूं, अपने से तो बता रहा हूं। अब ऑप्शन में क्या दिया गया था, कौन जानता है ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप बताओ, बच्चे बताएंगे तो हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अरे भाई साहब 6 साल से 14 साल नहीं होगा, 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई, क्या 6 साल के जो किशोर है ना, इनको शिक्षा देने के लिए 6 साल से 14 साल का यहाँ पर जिक्र किया गया, ठीक है। 16 वर्ष से कम वालों को क्या, 16 वर्ष से कम वालों को यहाँ पर क्या रखना, शिशु के अंतर्गत इनको लाने की बात कही गई है, किशोर लाने की बात कही गई। किस प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती, ठीक है, बताएंगे बच्चों यहाँ पर भारत में, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती भारत में, ठीक है, ये आप लोगों के लिए, इसको कमेंट करके बता दो जल्दी से, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा भारत में कौन सी जलवायु भारत में पाई जाती है। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग भारत में 280, ठीक है, आर्टिकल 280 में क्या है, तो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन हो जाएगा, ठीक है। क्या पासपोर्ट चलेगा? पासपोर्ट चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पासपोर्ट चलेगा, लेकर जाइएगा, है ना, बिल्कुल लेकर जाइएगा। चलो सारी क्वेरी मतलब आज क्लास में ही कर लोगे आप लोग, ठीक है, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, जब आपको पता है कि आपको पेपर देना है तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, मतलब कि आप लोग सीरियस ही नहीं है अपने अपराध के। 16 साल से ऊपर वाले अपराधी की श्रेणी में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में मामला, बहस चल रही है, और इसी वजह से इसको क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में आज पूछा गया था, ठीक है। चलिए सर, कल का मैराथन चलेगी आपकी 2 से 5 में, कल बच्चों मेरी 2-3 घंटे की क्लास रहेगी, 2 से 5 में हमारी 2 to 5 PM, कल मेरी 3 आवर की क्लास रहेगी, और संडे को भी, सैटरडे और संडे स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए क्लास करवाई है कि भाई 3-3 घंटे की क्लास कराओ, बच्चों को ढेर सारी चीजें बतानी है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से जीके में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इसके लिए टाइम चाहिए जिससे मैं 3 घंटे में कुछ और ज्यादा आपको डिटेल बता पाऊं, ठीक है। चलिए, तो 2 घंटे 3 घंटे और 3 घंटे की सैटरडे और संडे की क्लास रहेगी। चलिए तो बच्चों, तो हमारा जो वित्त आयोग है ना 280 में है, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसे कब गठित किया गया था? 1951 में, 1951 में, क्या 1951 में इसका गठन किया गया था वित्त आयोग का। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे, क्या थे? केसी नियोगी। बच्चों पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी जी थे। और अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, कौन सा 15वां, और इसके कौन है? नंद किशोर सिंह जी हैं। क्या नाम है? अभी वर्तमान में नंद किशोर सिंह जी, क्या नाम इनका है? नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से होगा बच्चों? 2020 से 25, ठीक है, ये 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो बच्चों राष्ट्रीय जो फूड सिक्योरिटी अधिनियम है, ये कब पारित हुआ था? 2013 में, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर क्या होगा, नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, ये कब पारित हुआ था बच्चों? 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून लाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मणिकरण जियो थर्मल पावर प्लांट, मणिकरण बच्चों जियो थर्मल पावर प्लांट है, कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर आता है ये? हिमाचल प्रदेश में बच्चों। यहां पर रेणुका झील है, क्या यहां पर रेणुका झील है, जो कि सबसे छोटा रामसर स्थल है।
रामसर में इसे शामिल किया गया। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है? भारत का सबसे छोटा जो रामसर स्थल है बच्चों कौन है? याद है रेणुका झील जो कि हिमाचल में है। हिमाचल बच्चों ध्यान रखना 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला, एलपीजी कनेक्शन देने वाला 100% वाला राज्य कौन है? हिमाचल। और कोरोना की कोविड की जो वैक्सीन है ना, कोविड की बच्चों दोनों डोज, कोविड की दोनों डोज लगाने वाला 100% वाला राज्य कौन बन गया था? याद रखना हिमाचल प्रदेश। कोरोना की जो दोनों वैक्सीन की डोज होती है, पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन जो हमने लगवाई हो, कोविशील्ड आपने लगवाई होगी या कोवैक्सीन लगवाई होगी, इन दोनों की 100% दोनों डोज है ना, किस राज्य में लगी थी? ये बच्चों हिमाचल पहला ऐसा राज्य था। सीआरआर कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बना कब? 1 अप्रैल 1935 को बना, 1 अप्रैल 1935 को बना। और 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ? राष्ट्रीयकृत हुआ। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई क्या हुआ था? राष्ट्रीयकृत हुआ था। आरबीआई को 5 करोड़ रुपए से शुरू किया गया था। कितने से? आरबीआई बच्चों कितने रुपए से शुरू हुआ था? आरबीआई 5 करोड़ रुपए से शुरू किया गया था। पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे। पहला भारतीय कौन था? सीडी देशमुख जी थे। और अभी 25वां कौन है? तो शक्तिकांत दास जी। 24वें कौन थे? उर्जित पटेल थे। 23वें कौन थे? रघुराम राजन थे, ठीक है। 22वें कौन थे? डी सुब्बा राव थे। कौन थे? डी सुब्बा राव 22वें आरबीआई के गवर्नर थे। चलिए ध्यान रखना। 12वीं बच्चों सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई थी? ये कहां पर आयोजित की गई थी सीनियर, बताइएगा, ठीक है। ये बच्चों आपके कहां पर हुई थी? भोपाल में, ठीक है। कहां पर आयोजित की गई थी? भोपाल में आयोजित की गई थी। और इसे जीता किसने? हरियाणा ने जीता था, ठीक है। किसने जीता? हरियाणा ने बच्चों, ध्यान रखना कि जो 12वीं पुरुष सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती थी? हरियाणा ने जीती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, एमपी में हरियाणा ने जीता। किसने? एमपी में हुई थी, हरियाणा ने इसे जीता, बहुत बढ़िया, सुपर। 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो बच्चों ये कहां पर आयोजित की गई थी? ये रांची झारखंड में। कहां पर? ये रांची झारखंड में आयोजित की गई थी। कहां पर? रांची झारखंड में। जो सब जूनियर पूछे, क्या पूछेगा? राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ये कहां पर हुई थी? ये रांची झारखंड में आयोजित किया गया था। बुद्ध को एक ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? महात्मा बुद्ध को बच्चों बोध गया में। कहां पर? बोध गया में इनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया? सारनाथ में, ठीक है। कहां पर? सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? सबसे ज्यादा आपसे पूछे, सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां दिए? तो श्रावस्ती में दिए। कहां पर? श्रावस्ती में दिए। और बच्चों इनको कह सकते हैं कि जो इनको मृत्यु इनकी कहां हुई थी? याद रखना आपके कुशीनगर में, ठीक है। इनकी मृत्यु कहां हुई थी बच्चों? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। और कुशीनगर, एक पॉइंट याद रखना कुशीनगर के बारे में, कुशीनगर बच्चों भारत का लेटेस्ट क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया था। कुशीनगर क्या? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया था बच्चों। ये यूपी में है। और यहां से पहली फ्लाइट कहां गई थी? कोलंबो, ठीक है। यहां से पहली फ्लाइट कहां भेजी गई थी? कोलंबो श्रीलंका के लिए। यहां से पहली फ्लाइट कुशीनगर से भेजी गई थी। और ये भारत का 29वां, कौन से नंबर का? ये भारत के बच्चों 29वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था, ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा, ठीक है, आइए बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों सांगपो के नाम से इसको कहां जानते हैं? तो याद है तिब्बत में जानते हैं, ठीक है। कहां पर? तिब्बत में बच्चों। इसको क्या नाम से? तो तिब्बत में से सांगपो के नाम से जानते हैं। किसको? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। इंटर कहां से करती है? तो अरुणाचल से इंटर करती है। तो ब्रह्मपुत्र ये कहलाती, क्या? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इसी में माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे असम राज्य में आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल में टाइम आउट का समय क्या भाई साहब? देखो आईपीएल में बच्चों जो टाइम आउट का समय था ना, ये 2.5 मिनट का था। कितने का था? 2.5 मिनट का था। लेकिन इस बार इसका टाइम बढ़ा दिया गया, इसे 30 सेकंड इसमें और वृद्धि कर दी गई। कितना? 30 सेकंड की इसमें वृद्धि कर दी गई है। अब इसका टाइम कितना हो गया? 30 सेकंड से बढ़ा दिया, तो मतलब हो गया 3 मिनट का। कितने का? 3 मिनट का बच्चों। इसका टाइम आउट कितने का हो गया है? 3 मिनट का हो चुका है आईपीएल का टाइम आउट। 15वां आईपीएल हुआ था इस बार का, कौन सा? जो 2022 का आईपीएल था ना, ये कौन से नंबर का था? ये 15वां आईपीएल था। जो किसने जीता? गुजरात टाइटन ने जीता। किसको हराया? राजस्थान रॉयल को हरा करके गुजरात ने जीता, ठीक है। आर्टिकल 51A संबंधित ये आपको पता है ना, कि कौन सा होगा? 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ था बच्चों 1976 में? 11वां कौन सा जोड़ा गया? 11वां यहां पर आपका फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, जिसमें कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य किया गया। कितना?
6 साल से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य किया गया था, किसमें? आर्टिकल 51 में। टोटल कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं, देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर यहां से बन रहे हैं, है ना। चलिए याद रखना, आगे बढ़ते, खर्ची पूजा आपको बताएगी त्रिपुरा का, है ना। खर्ची पूजा त्रिपुरा का गारिया खर्ची, और बच्चों ऑरेंज महोत्सव भी यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। और कोक बरोक, यहां की भाषा कौन सी अभी एग्जाम में आई थी? कोक बरोक जो भाषा बोली जाती है त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है, ठीक है। चलिए, माणिक शाह यहां के वर्तमान में क्या है? मुख्यमंत्री माणिक शाह जी हैं। और राज्यपाल के पद पर कौन है? तो नोट करेंगे आपके सत्यदेव नारायण जी हैं। देखो ये एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन, बच्चों इसे देख सकते हैं आप लोग, इसमें कई सारे फीचर ऐड किए गए, आप लोग इसे देख लीजिएगा, है ना। मध्य भारत में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो बच्चों बोली तो देखो हिंदी जाती है। अब ऑप्शन में क्या था एक बार आप चेक कर लेना, वैसे हिंदी जो कि यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान, है ना, इन राज्यों में बच्चों मध्य भारतीय क्षेत्र आ जाते हैं। और याद रखना यहां पर हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। पंचवर्षीय योजना का मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 थी, और इसका मॉडल हेराल्ड डोमर पर मॉडल पर बेस था। कौन सा? हेराल्ड डोमर मॉडल पर बेस था, ध्यान रखना। और इसमें कृषि को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, क्या? कृषि को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 थी बच्चों, और ये पीसी महला नोबिस, किस पर थी? पीसी महला नोबिस मॉडल पर थी, ठीक है, पीसी महला नोबिस मॉडल पर थी। और इसमें उद्योग लगाना, किसको? उद्योग लगाने की बात कही गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से थी? 1961 टू 66। और बच्चों यहां पर याद, गार्डगिल मॉडल पर, क्या? प्रोफेसर गार्डगिल मॉडल पर थी, ठीक है, किस पर थी? गार्डगिल मॉडल पर थी। और यहां पर कृषि और उद्योग दोनों को जोड़ दिया गया, क्या? कृषि और उद्योग दोनों को यहां पर शामिल कर दिया। और बच्चों ध्यान रखना, अब अगर उन्होंने 5 ईयर प्लान को पकड़ा है ना, तो एक चीज और याद रखना, यहां पर प्लान ब्रेक हुआ था 1962 टू 69, यहां पर प्लान क्या हुआ था? ब्रेक हुआ था, इसे योजना अवकाश बोला गया था, क्या? इसे योजना अवकाश बोला गया था, ठीक है, योजना अवकाश। इसके बाद बच्चों चौथी पंचवर्षीय योजना आ जाती है कब? तो 1969 टू 74, और ये भारत सरकार ने बनाई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर थी, किस पर थी? डीपी धर मॉडल पे। और ये कब से कब तक थी? तो 1974 टू 78, 4 साल की थी, कितने साल की थी? 4 साल की थी, 1974 टू 78, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल बाकी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है, मेरी भी दूसरी क्लास है और सर की भी यहाँ पर क्लास है, तो मुझे क्लास को रोकना पड़ेगा ना चाहते हुए। इसका होमवर्क में आप आंसर बताएंगे, चाप चरकुट किस राज्य का त्यौहार है? कल 2 से 5, ठीक है, कल 2 से 5 हम लोग मिलेंगे सेम चैनल पर, है ना, और देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चन के बारे में जो आपके फोर्थ फेज के लिए महत्वपूर्ण होंगे, साथ साथ में थर्ड फेज के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फिर, आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बच्चों अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना, परेशान मत होना, खुद पे भरोसा रखो, अपने पढ़ाई पे मेहनत पे भरोसा रखो, ठीक है, और अपने गुरुजनों पे भरोसा रखो, आपका पेपर बढ़िया जाएगा, ठीक है, घबराओ मत, टेंशन मत लो, और जो जो छोटी छोटी मिस्टेक है ना, उनको जरूर एक बार सुधार लेना, ठीक है, जो कि आपके एड है। यार ये तो बहुत बेसिक सी जानकारी है ना, कि आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, नाम वाम सब सही होना चाहिए, इतनी बेसिक सी मिस्टेक आप करते हैं, कैसे सुधारा जा सकता है इसको, ठीक है। हम थोड़ी है कि हम RRB हैं कि हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।